रीवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है और राज्य की राजधानी भोपाल से 420 किलोमीटर पूर्वोत्तर में और जबलपुर से 230 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इससे दक्षिण में कैमूर पर्वतमाला है और इस क्षेत्र में विंध्याचल पहाड़ियां भी स्थित हैं। रीवा शहर मध्य प्रदेश प्रांत के विंध्य पठार का एक हिस्से का निर्माण करता है और टोंस, वीहर, बिछिया नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम में सतना एवं पूर्ण तथा दक्षिण में सीधी के जिले स्थित हैं। यह पहले एक बघेल वंश की रियासत थी। यहाँ के निवासियों में गोंड एवं कोर ब्राह्मण, विभिन्न क्षत्रिय वैश्य जाति के लोग भी शामिल हैं, जो पहाड़ी भागों के साथ साथ मुख्य नगर में रहते हैं। जिले में जंगल की अधिकता है, जिनसे लाख लकड़ी एवं जंगली पशु प्राप्त होते हैं। रीवा के जंगलों में सफेद बाघ की नस्ल पाई गई है। जिले के प्रमुख उपज धान। जिले में ताला नामक जंगल बांधवगढ़ का ऐतिहासिक किला है। जब गुजरात से सोलंकी राजपूत और मध्य प्रदेश आए तो इनके साथ कुछ परिहार राजपूत, कुछ मुस्लिम भी आए, परंतु कुछ समय पश्चात सोलंकी राजा ऋग्देव ने सोलंकी से बघेल तथा परिहारों की वरग्राही वंश की स्थापना की। बघेल तथा वरग्राही परिहार आज बड़ी संख्या में संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, जो प्रारंभ में एक दूसरे के अति विश्वास पात्र थे। प्राचीन इतिहास के अनुसार रीवा राज्य के वरग्राही परिहार ने रीवा राज्य के लिए अनेक युद्ध लड़े, जिनमें से नायकाही युद्ध, बुंदेलखंडी युद्ध, लाहौर युद्ध, चुनार घाटी, मिर्जापुर युद्ध, कोरिया युद्ध, मैहर युद्ध, कृपालपुर युद्ध प्रमुख हैं। बघेल वंश की स्थापना ब्रगदेव ने की, जिसके कारण उन्हें ब्रगदेव वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों वंश की स्थापना होने के बाद इन दोनों राजपूतों की ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया, जिसके कारण इन वंशों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इन्हें अग्निकुल का वंशज भी माना जाता है। भूतपूर्व रीवा रियासत की स्थापना लगभग 2400 ईस्वी में बघेल राजपूतों द्वारा की गई थी। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बांधवगढ़ नगर को ध्वस्त किए जाने के बाद रीवा महत्वपूर्ण बन गया था। यह शहर ब्रिटिश बघेलखंड एजेंसी की राजधानी भी रहा है। यहाँ विश्व का सबसे पहला सफेद शेर मोहन पाया गया था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। रीवा जिले के निकट 13 किलोमीटर महाराजा मार्तंड सिंह बघेल व्हाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर मुकुंदपुर का निर्माण किया गया है, जहां सफेद शेरों को संरक्षण दिया जा रहा है। रीवा जिले में बघेली एक प्रमुख भाषा है। हाल ही में यहां पर कृष्णा राज ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की गोद में फैले हुए विंध्य प्रदेश के मध्य भाग में बसा हुआ रीवा शहर, जो मधुर गान से मुक्त तथा बादशाह अकबर के नवरत्न जैसे तानसेन एवं बीरबल जैसे महान विभूतियों की जन्मस्थली रही है। कलकल करती वीहर एवं बिछिया नदी के आंचल में बसा हुआ रीवा बघेल वंश के शासकों की राजधानी के साथ साथ विंध्य प्रदेश की भी राजधानी रही है। ऐतिहासिक प्रदेश रीवा विश्व जगत में सफेद शेरों की धरती के रूप में जाना जाता है। रीवा शहर का नाम रीवा नदी के नाम पर पड़ा है, जो कि नर्मदा नदी का पौराणिक नाम कहलाता है। पुरातन काल से यह एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है, जो कि कौशाबी, प्रयाग, बनारस, पाटलिपुत्र इत्यादि को पश्चिम और दक्षिण भारत को जोड़ता रहा। बघेल वंश के पहले अन्य शासकों के शासनकाल जैसे गुप्तकाल, करचुली वंश, चंदेल एवं प्रतिहार के नाम से भी संजोए हैं। रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी एवं संभागीय मुख्यालय होने के कारण इस क्षेत्र को एक प्रमुख नगर के रूप में जाना जाता है, तथा संभागीय मुख्यालय होने के साथ साथ इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर है। रीवा नगर पालिका सन 1950 में पूर्व नगर पालिका के रूप में गठित हुई थी। जनवरी 1981 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्तमान में रीवा शहर में कुल 45 वार्ड हैं, जिनमें से 6 वार्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से वार्ड क्रमांक 1 एवं 43 अनुसूचित जनजाति के लिए तथा वार्ड क्रमांक 28, 38, 39, 40 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। अगर बात की जाए यातायात की, तो रीवा रेल मार्ग से देश के कई बड़े शहरों से जुड़ा है, जिससे रीवा से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जैसे दिल्ली, राजकोट, सूरत, नागपुर, जबलपुर, कानपुर, इलाहाबाद, इंदौर, भोपाल, मैहर, बिलासपुर इत्यादि। रीवा रेलवे स्टेशन है, जहां से भोपाल, इंदौर, दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, चिरमिरी, राजकोट, नागपुर के लिए ट्रेन चलती है। अगर बात करें सड़क मार्ग की, तो रीवा सड़क मार्ग से निम्न शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है और नियमित बसों का संचालन, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नागपुर, बिलासपुर इत्यादि।
अगर बात करें वायु की, तो रीवा में एक हवाई पट्टी है जहां से भोपाल के लिए फ्लाइट चलती हैं। इसको हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की जा चुकी है, जिससे विंध्य क्षेत्र में भी व्यापार और पर्यटन स्थल को टूरिस्ट आसानी से दर्शन कर सकेंगे।